स्वागत है आप सभी का डीटीवी भारत में। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार के राजनीतिक की बात, लेकिन वो दिल्ली में हुआ। दरअसल दिल्ली में राजद की एक अहम बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और ये बैठक दो दिवसीय होने वाली है। इस बैठक को लेकर कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है और इस बैठक में जोरदार हंगामा रविवार को हुआ है। जी हां, जोरदार हंगामा। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन बैठक में वो पहुंचे तो सही, लेकिन बीच बैठक से ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद उन्होंने राजद के वरिष्ठ और कद्दावर नेता श्याम रजक पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या कहा है तेज प्रताप यादव ने, सबसे पहले जरा आप ये सुनिए। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का काम श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएस को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बात किया, हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, इसने हमको गाली निकल गया। जगदानंद सिंह भी नहीं आया, कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया, किसने? श्याम रजक ने मुझे। तो चलिए, जिस गाली के बाद, जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, वो ऑडियो दरअसल वायरल हो गया है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वही ऑडियो है जिसकी बात तेज प्रताप यादव कर रहे थे। जरा सुनिए ये ऑडियो। तो मंत्री का पीए फोन कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था है, क्या है। जो हम लोग भी मंत्री थे, कभी पीए हमारा नहीं किसी नेता को हम लोग भी डायरेक्ट बात करते थे सबसे, बड़ी दिक्कत है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, हम लोग दोस्त रहे हैं, कलीग हैं, को कहे थे कि मनोज झा को इसको गाड़ी दे दीजिए, वो आदमी अपना दिल्ली का ढोकर करके ला देगा। और सब लोग उसको कटवा दिया, संदी की सब लोग। अब अभी मनोज झा कह रहे हैं कि बॉस बोले कोई कमी नहीं हुई, चलिए इनको गाड़ी दीजिए। और एक में गाड़ी दे करके आदमी नहीं होता भाई, वो कहाँ जाएगा। और पटना में बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। साथ ही उन्होंने तीन बड़ी मांग की है, जिस मांग में ये भी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम नीतीश ने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया है। उन्होंने तीन मांग सरकार से की है। अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए नहीं बनाइए आपका काम है, आप हाईकोर्ट जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जाइए कि यूनाइटेड नेशंस जाइए, ये आपका काम है। हमारा तो ये, हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। जो आपके कारण वो वंचित हो गए, इसलिए अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ।